अशोक जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। के लिए सॉरी अमिताभ जी, नेटवर्क चला गया था मेरा। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जब माननीय कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 में बीएसपी का स्थापना किया था, उसके बाद से लेकर तो मुझे लगता है कि आज के दौर की जो बसपा है सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही है। और बुरे दौर से गुजरने का जो मूलभूत जो कारण हम लोगों के समझ में आ रहा है कि बसपा की लेकर के लोगों के मन में, जो उनके मूलभूत वोटर थे, उनके मन में बड़ी सारी शंकाएं हैं। कभी बहन जी के मूवमेंट को लेकर के कि बहन जी का अगला स्टेप क्या होगा, बहन जी चाहती क्या है, तो ये सारी चीजें उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं उन मतदाताओं के मन में। आप, मैंने 2019 का एग्जाम्पल दे रहा था, तो 2019 में देखिए बसपा सपा का गठबंधन जो कि जमीन पे एक नेचुरल गठबंधन मान के किया गया था, वास्तव में नेचुरल गठबंधन था भी, तो उसमें बसपा को 10 सीटें मिली थी, इसके पहले 0 सीट थी। तो लोकसभा में इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद, और एक तरफा बहन जी ने, आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने घोषणा किया कि नहीं, ये तो सपा का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए जो है दिक्कत हुई, हम सपा गठबंधन तोड़ते। तो अभी जो हमारे जो पीडीए के लोग थे, जो दलित समाज था, जो पिछड़ा समाज था, उसको बड़ी उम्मीदें थी बसपा से और सपा से, उसकी उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेरने का काम किया, गठबंधन एक तरफा ऐलान। इस बार लोकसभा में उनका 0 रिप्रेजेंटेशन फिर से हो गया, विधानसभा में 1 सीट, वो भी बड़े मुश्किल से। जो दलित समाज ने, जो समाजवादी पार्टी ने, जो दलित समाज को लेकर के जो गैप था, वो लगातार नेताजी के दौर से ही हम लोग ये कांशीराम जी की बाबा साहब की विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड करने का काम कर रहे थे। लेकिन इधर जब बसपा का जो पतन होना शुरू हुआ उनके मतदाताओं के मन में, तब वो हमारी पार्टी ने जैसे ही आगे बढ़ करके हमारे जो दलित समाजवादी पार्टी जानी जाती है, देखिए उसमें दलित महापुरुषों के नाम पे बने हुए जिलों के नाम बदलने के लिए समाजवादी पार्टी जाती है, जानी जाती है। आरक्षण में प्रमोशन को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। देश में दलितों की सबसे बड़ी चेहरा मायावती जी के ऊपर गेस्ट हाउस में हमला करने के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। और समाजवादी पार्टी ही 2019 के गठबंधन, आप देखिए समाजवादी पार्टी ने दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा काम किया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने आज 37 सांसदों में से, आप देखिए 37 सांसदों में से 8 सांसद दलित समाज से दिए समाजवादी पार्टी ने। आप देखिए, आप अगर दलित के इतने शुभचिंतक रहते तो 0 रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं रहता। आरक्षण में प्रमोशन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड था? आप ये बताइए कि महापुरुषों के नाम पर बने हुए समाजवादी की सरकार आने पर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दलित समाज को क्यों बदले? आप ये बताइए, हमने हमेशा दलित सांसद दिए हैं, हमेशा दलित चेतना, पहले 2019 में बसपा मुलायम सिंह यादव जी को भी जितवाए थे प्रमुख राजनीतिक बनाने में कांशीराम जी का हाथ रहा। कांशीराम जी हमेशा मुलायम सिंह यादव जी को सहयोग करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी वैचारिक तौर पे हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ छल करने के लिए जानी जाती है। महापुरुषों के नाम पर बने हुए दलितों के आरक्षण के ऊपर डाका डालती है, पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर डाका डालती है, समाजवादी पार्टी का क्या अपने अनुभवी साथी से पूछना चाहता हूँ यादव जी। लेकिन जब चुनाव आता है, बताइए जब उनके गठबंधन से मायावती को पराजय मिल सकती है, विचारधारा को जिंदा रखने के लिए मूवमेंट होता है, वो एकला चलने वाला हो जाता है। उनके एकला चलने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और उसी फायदा उसी को फायदा उठा के भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ जाती है और फिर से पीडीए का शोषण करना शुरू कर देती है। कब तक चलता रहेगा? आरक्षण में प्रमोशन, प्रमोशन में आरक्षण के नाम पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या था? की बी टीम बन करके बार बार सत्ता हासिल करने में सहायता करेगी तो दलित समाज ऐसा थोड़ी को नहीं समझ रहा है, पिछड़ा समाज को समझ रहा है कि भाजपा के सत्ता में कोई दल ला रहा है, बसपा है और वही भारतीय जनता पार्टी की मदद कौन कर रहा है? ये समाजवादी पार्टी कर रही है। नफरत की राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी कभी कुछ नहीं बोलती है। आप बताइए, योगी सरकार ने 69,000 जब लूट किया, पांजी ने क्या स्टेप लिया? पांजी ने कभी कोई आंदोलन किया? क्योंकि उनको लगता है मूवमेंट का एहसास होगा,
आपको बाबा साहब की विचारधारा का एहसास होगा, तब आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश से या देश से अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है या हटाना है तो बहन जी के बिना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपने जो दलितों के पिछड़ों के, लेकिन हर देखिए मैं जिस जिले से आता हूँ, जिले का नाम तो महात्मा ज्योतिबा फुले, जो पिछड़े समाज के, दोनों को रोकूंगा। अशोक जी नवेद रुक, दोनों को रोकूंगा। ये बात सच है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के 8 दलित चेहरे लोकसभा में हैं। ये छोटी संख्या नहीं, ये छोटी संख्या नहीं। 8 दलित सांसद सपा के सिंबल पर लोकसभा में हैं, इसको कैसे खारिज कर देंगे? और एक बात और बता दूं कि इतिहास है, इतिहास तो निष्ठुर होता है, उसके तथ्य डिलीट नहीं हो सकते। वो मोबाइल नहीं है कि चैट डिलीट कर देंगे। कांशी राम जी पहली बार जब लोकसभा आए तो कहां से आए? इटावा से। इटावा में कौन ले गया उनको चुनाव लड़ाने? मुलायम सिंह। इटावा कांशी राम जी का बेस नहीं था ना। कांशी राम जी जहां रुके थे, जो होटल था, जहां उनका कार्यालय बना, वो होटल भी मुलायम सिंह के दोस्त का था, उन्होंने दिलाया था। तो इसने, अरे भाई ये जानना बहुत जरूरी है बाबू, आपने तो वो दौर नहीं देखा ना, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। इतिहास तो नहीं बदल सकता। खैर इतिहास की बात छोड़िए। नावेद भाई आपसे मेरा प्रश्न इतना सा है, पिछली बार 4.25% वोट मिला था बसपा को हरियाणा में, जब आकाश नहीं थे, क्या जब केवल जमीन थी तब 4.25% वोट मिला, अब की आकाश था क्या जमीन के साथ, तो 1.7 मिल रह गया क्या? ये 2.5% वोट कहां चला गया? देखिए अमिताभ जी, आप, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय साहब काशीराम जी ने जब इस मिशन मूवमेंट को बसपा नाम के शुरू किया था, तो वो तब बहुत बार ऐसी मायूसियां हाथ लगा करती थी कि पार्टी चुनाव में विफल हो जाया करती थी। तो माननीय साहब काशीराम जी एक अच्छी बात कहा करते थे कि सरकार बने ना बने, राजनीति चले ना चले, वोट मिले ना मिले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी किस तरह से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करती है, किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को लेकर चलती है, उसका मकसद चुनाव लड़ना जो है बहुजन विचारधारा को ऊपर लाकर देश में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को राजनीतिक विचारधारा में, मुख्य धारा में लाने का प्रयास रहता है। अगर कोई चुनाव विफल हुआ है तो पार्टी उस पर मंथन भी करेगी और अगले चुनाव में बिल्कुल करिए। एक मिनट रुको बाबू, आपसे पता नहीं कांशीराम ने क्या कहा, मुझसे कांशीराम ने एक बार नहीं 100 दफे कहा, और रिकॉर्ड में भी इंटरव्यूज भी छपे कांशीराम के, मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 50-60 इंटरव्यू किए होंगे कांशीराम के, लंबे लंबे। बिल्कुल आप ठीक, रुक जाओ भाई, आपको कतर कब उन्होंने कान में बताया कि हम लोग चुनाव से कोई मतलब नहीं, हमसे कांशीराम कहते थे केवल सत्ता में हमको भूमिका चाहिए, चाहे ऐसे मिले और चाहे वैसे मिले, चाहे कांग्रेस से गठबंधन करना पड़े फिर इनको भगाना पड़े, चाहे भाजपा से करना पड़े, बोले सत्ता में दखल चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, ये ज्ञान की बातें आपको कब बताई मुझे नहीं पता। ठीक, बिल्कुल आपकी बात से, इसलिए ये हमको उपदेश ना दो भैया कि माननीय कांशीराम, माननीय अंबेडकर जी, मिशन मोड दिस दैट ब्ला ब्ला, नहीं नहीं तो चुनाव काहे को लड़ रहे हो, फिर जन जागरण करो ना, डॉक्टर ने बताया चुनाव लड़ो, जन जागरण करो। बहुत अनुभवी इंसान है, गजब बात करते हो अनुभव चक। एक बार रुक जाओ अनुभव चक, ये अनुभव चक है, इनका परिचय करा दे। ये पहले कांशीराम के बहुत नजदीक रहे हैं लंबे समय तक, इसलिए समझ लिया अभी भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन ये कांशीराम के लंबे समय तक नजदीक रहे, इसलिए इनकी बात महत्वपूर्ण है। अनुभव चक, कांशीराम हमेशा प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे क्या? हमने उनसे पूछा कि आप ये गैर दलितों को चुनाव क्यों लड़ा रहे हो? अशोक जी बड़ी अच्छी बात है क्या? तो उन्होंने कहा मैं तब तक गैर दलितों को चुनाव लड़ाऊंगा जब तक दलित चुनाव लड़ने लायक ना हो जाए क्या, जब उसके पास रुपया पैसा ताकत आ जाएगी फिर दलित क्या, बोले वोट तो यही डलवाएंगे। जो आदमी इस कदर प्रैक्टिकल था उसको बता रहे हैं नावेद आज के, वो कहते थे कि कोई चुनाव नाम की चिंता ना करो, वोट मिले नहीं मिले मिशन करना है। अनुभव चक, देखिए अमिताभ जी, काशी राम साहब की विचारधारा, काशी राम साहब की सोच, वो जो थी, इसी वजह से आज उनके ना होने के बावजूद
कभी मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद, कभी प्रधानमंत्री पद पर ना पहुंचने के बावजूद, कभी राष्ट्रपति ना बनने के बावजूद, आज पूरे देश का ना सिर्फ दलित समाज बल्कि जो उनको जानता है, जिनकी विचारधारा को समझता है, वो भी व्यक्ति काशीराम साहब को राष्ट्र नायक मानने से इनकार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति मानता है कि काशीराम अलग तरह के व्यक्ति थे, काशीराम साहब वाकई में राष्ट्र नायक थे, महापुरुष थे, उनकी विचारधारा बिल्कुल इतर थी। उनका साफ कहना था कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है, कमजोर वर्ग के ऊपर जो अत्याचार होता है, इसके लिए आंदोलन करने से ज्यादा आवश्यक है कि हमको एकजुट होकर सरकार बनानी चाहिए, हमको सरकार में पहुंचना चाहिए। और उनके बारे में कहा जाए वो चुनाव से परहेज करते थे, ये तो अलग ही विचारधारा है। काशीराम साहब ने कांग्रेस से भी समझौता करा, काशीराम साहब ने तीन तीन बार भारतीय जनता पार्टी से भी समझौता करा, और उन्होंने इस बात की कतई चिंता नहीं करी कि कौन सा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। उनके मन में सिर्फ एक बात थी, किस तरीके से कमजोर वर्ग का भला हो सकता है जिसको हमसे नाराज हो। तीन बार अमिताभ जी भाजपा से समझौता करके मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना, एक बार नहीं सोचा कि अल्पसंख्यक वोट नाराज हो जाएगा। जिसको साथ रहना हो रहे, ना रहना हो ना रहे, लेकिन हमें कमजोर वर्ग का भला करना है। काशीराम साहब की साफ विचारधारा थी साहब, और एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है, एक मिनट रुकिए, काशीराम की विचारधारा को ज्यादा ऊंची आवाज में लाउड मत करो। मेरा जितना उनके साथ संपर्क रहा, काशीराम विचारधारा के चक्कर में वो कभी नहीं पढ़ते थे, न किताब के, न कापी के, न दस्तावेज के, वो प्रैक्टिकल आदमी थे। वो मुझसे कहते थे, अग्निहोत्री जी मुझे मजबूत सरकार ना पसंद है, मुझे मजबूत सरकार चाहिए जिसके ऊपर बीएसपी का डंडा चले, लोकतंत्र मजबूत होगा। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, वो लोकतंत्र में बड़ी बड़ी बातें वो कतई नहीं करते थे। काशीराम की सबसे खूबसूरत बात थी, जो बड़े बड़े शब्द नावेद भी इस्तेमाल कर रहा है, वो इसका 1% भी नहीं करते थे बातचीत में। खांटी प्रैक्टिकल बात करते थे। मैं यहां बता नहीं सकता वो कितने प्रैक्टिकल बोलते थे, कई बार वो ठीक भी नहीं रहेगा। नेताओं के बारे में वो कैसी टिप्पणी करते थे अशोक जी, वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, बाबा साहब का मिशन, दिस दैट ब्ला, संविधान और आरक्षण, ना ना ना। एक बार मैंने उनसे पूछा कि कांचीराम जी ये पैसा कहां से आता है, पार्टी कैसे चलती है आपकी, क्या? तो एक स्टील की अलमारी गोदरेज टाइप की थी उनके पास, क्या? उन्होंने एक परिचर से कहा इसको खोल के दिखाओ, क्या ऐसा साहस कोई और दूसरा कर सकता है क्या? अशोक जी है सबके पास, लेकिन साहस कोई नहीं करेगा ना। काशीराम ने किया, बोले कैसी बात कर रहे हो, मैंने उनको कभी बड़ी बड़ी बातें करते नहीं देखा, हमेशा प्रैक्टिकल बात, खरी बात। जिसका एक उदाहरण मैंने नावेद बाबू दे दिया, वो कहते थे मजबूत सरकार दूसरों के लिए, हमें मजबूर वाली चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। वो कभी नहीं कहते थे कि मिशन के काम करने आए हैं ना। अनुभव चक कुछ कहना चाह रहा है? जी अमिताभ जी, जो मजबूर सरकार की बात करते तो कहते इसीलिए थे कि अगर सरकार मजबूर होगी तो अपने हिसाब से कान घुमा कर उसके हम उसको पूरी करवा लें, मांगो तारीख जी। अमिताभ जी एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ, काशीराम साहब प्रैक्टिकल थे, ये बात सही थी, लेकिन क्या प्रैक्टिकल व्यक्ति कोई विचारधारा नहीं होगी? उनकी कोई विचारधारा नहीं थी, उनके विचार नहीं थे। इस बात से मैं अमिताभ जी सहमत नहीं, काशीराम साहब की विचारधारा थी, उनके विचार थे, उनके विचारों के आधार पर उनके पीछे उनके फॉलोअर्स बड़े थे।